हाय दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे फ्लीट वेक्टर्स। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसके लिए कुछ एग्जांपल ऑब्जेक्ट मैं बना लेता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमने ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर लिया है। दोस्तों, आपको यहाँ से मिल जाता है फ्लीट वेक्टर्स। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके से विंडो ओपन होगा। ये साइड में एक विंडो ओपन होगा इस तरीके से। दोस्तों, यहाँ देखिए, आपको फिलेट करने के लिए 5 ऑप्शंस मिल जाता है। सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है फिलेट आर्क। यहाँ पे फिलेट रेडियस मैं 25 mm ले लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिलेट अमाउंट ले सकते हैं। और सबसे पहला ऑप्शन आता है यहाँ पे हमारा फिलेट आर्क। इसको सिलेक्ट करके मैं किसी ऑब्जेक्ट को फिलेट करना चाहता हूँ, तो फर्स्ट लाइन इस तरह से क्लिक करूँगा और सेकेंड लाइन, फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन, इस तरह से क्लिक करने के बाद देखिए हमारा कॉर्नर इस तरीके से फ्लेट हो जाएगा। ठीक है, लाइन पे भी क्लिक कर सकते हैं आप, और आप इस तरीके से कॉर्नर पे डायरेक्ट कॉर्नर पे क्लिक करेंगे। इस तरह से देखिए एक क्लिक में ये फ्लेट हो जाएगा। आप कॉर्नर पे भी क्लिक कर सकते हैं और फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन इस तरह से भी आप क्लिक कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा मिलता है डॉग बोन। दोस्तों, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद देखिए इस तरह से फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन, देखिए फिलेट बाहर की तरफ हो रहा है इस तरीके से। और यहाँ पे कॉर्नर पे आप क्लिक करेंगे सेम इसी तरीके से, इस तरीके से ये फिलेट हो जाएगा बाहर की तरफ, यानी बॉन स्टाइल में। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे टी बॉन। टी बॉन दोस्तों क्या होता है, एक डायरेक्शन की तरफ ये फिलेट होता है। मान लीजिए हमें ऊपर के डायरेक्शन में फिलेट चाहिए, तो मैं सबसे पहले ऊपर वाले लाइन पे क्लिक करूंगा, उसके बाद सेकेंड लाइन क्लिक करूंगा। इस तरह से अपर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ फिलेट हो जाएगा। अगर हमें राइट साइड में चाहिए, इस साइड में, तो पहले मैं इस लाइन पे क्लिक करूंगा और बाद में इस लाइन को क्लिक करूंगा। तो देखिए इस तरीके से राइट साइड में फिलेट हो जाएगा। ठीक है, अगर नीचे करना चाहते हैं इस तरफ, तो पहले हम नीचे लाइन पे क्लिक करूंगा, उसके बाद इस साइड वाले पे। तो इस तरीके से आप नीचे डायरेक्शन में इसको फ्लेट कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज में ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है एक्सटर्नल आर्क। एक्सटर्नल आर्क को सिलेक्ट करने के बाद मैं इस तरह क्लिक करूंगा, तो क्या होगा, ये आर्क, ये एक्सटर्नल में आर्क को ड्रॉ करेगा। ठीक है, बिल्कुल बाहर इस तरीके से। देखिए आप इस तरह से फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से कॉर्नर पे भी क्लिक कर सकते हैं इस तरह से। या कुछ इस तरह से हमें ऑब्जेक्ट बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा दोस्तों एक्सटेंडेड ट्रिम लाइन टू इंटरसेक्शन। अगर मैं इस पे सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद देखिए ये लाइन को एक्सटेंड भी करता है और ट्रिम भी करता है। ठीक है, जैसे मैं फर्स्ट लाइन देखिए, अभी ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन हमारा बाहर जा रहा है, और फर्स्ट लाइन मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और सेकेंड लाइन इसको सिलेक्ट करूंगा, तो क्या होगा, इस लाइन के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा और यहाँ पे ये लाइन इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा, फ्लिट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई रेडियस नहीं बनाता है, वो लाइन को एक्सटेंड करता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन, अब देखिए ये एक्सटेंड कर दिया। क्यों, क्योंकि अपने गैप के हिसाब से, जैसे मान लीजिए ये डिस्टेंस है, ठीक है, इस डिस्टेंस से ये एक्सटेंड करेगा जहाँ तक ये आपस में कॉर्नर बना सकता है। ठीक है, वहाँ तक ये लाइन क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा। देखिए इस तरीके से, अभी हमने यहाँ तक रखा था, इसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, और देखिए ये लाइन यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, ये लाइन क्रॉस हो रहा है, तो क्या कर देगा, इसको ट्रिम कर देगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए जो एक्स्ट्रा लाइन जा रहा था क्रॉस होकर के, उसको यहाँ पे क्या कर दिया, ये ट्रिम कर दिया। इस तरह से ये ऑप्शन काम करता है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज में ले सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन सुझाव है तो कमेंट कीजिए। दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।